एबीपीपी तकनीकी विश्वविद्यालय ने फीस वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इकाई अध्यक्ष अरुण भरमोरी ने कहा कि विश्वविद्यालय अनदेखी का शिकार है, सरकार शिक्षक और गैर शिक्षकों के पदों को भरने में असमर्थ रही है, विद्यार्थियों से भारी भरकम फीस वसूली जा रही है, तकनीकी विश्वविद्यालय में यातायात के साधन भी न के बराबर है। सरकार तकनीकी शिक्षा और तकनीकी विश्वविद्यालय को लेकर कुंभकर्ण की नींद सोई है। ये नकारात्मक रवैया विद्यार्थी परिषद सहन नहीं करेगी। प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की मांगों को लेकर 13 फरवरी से एक रचनात्मक आंदोलन शुरू किया जाएगा। इन सभी मांगों को लेकर 24 फरवरी को विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 26 फरवरी को सांकेतिक भूख हड़ताल की जाएगी और 4 मार्च को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 3 साल से हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में लंबित बड़ी मांगों को लेकर प्रदेश भर में जिला भर में जो है वो प्रदर्शन का आंदोलन छेड़ता आ रहा है। उसी कड़ी में आज डीसी ऑफिस के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो धरने प्रदर्शन पर बैठी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय 2018 से यहाँ पर क्लासेस लग रही हैं। पर अगर हम करें छात्रों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के बारे में, तो उसके बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार व यूनिवर्सिटी प्रशासन सोया हुआ है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो आज प्रदेश सरकार और HPTU प्रशासन को जगाने का काम जो है अभी कर रही है। और उसमें से मांगे जैसे कि अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एक सरकारी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पे जो फीसें हैं वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें यहाँ पे शिक्षकों की, तो ना तो यहाँ पे नियमित शिक्षक है ना वो गैर शिक्षक वर्ग है। और अगर हम बात करें विद्यार्थियों को, ना तो यहाँ पे क्लासेज में सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीटों को कोई प्रावधान नहीं है। इसी तरह की मांगे जो है वो तकनीकी विश्वविद्यालय में लंबित पड़ी है। तो आज मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये जो आंदोलन है, अगर प्रदेश सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसका जल्दी से फैसला नहीं किया और अगर इन मांगों को अनदेखा किया गया, तो इस आंदोलन को जब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश स्तर पर लेके जाएगी और उसकी जिम्मेदार, उसके परिणामों की जिम्मेदार जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार, जयराम सरकार और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय प्रशासन होगा।